नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 2 जून 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पीडीएफ आप इसकी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ये देखिए आप, इस वीडियो में हमने जनवरी 2022 से लेके जून 2022 तक के, या आप ये कह सकते हैं लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर हैं जो टॉप मोस्ट 800 क्वेश्चन बने हैं 2022 के, इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड हो गया है और इस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पर मिल जाएगा। ये देखिए 1 जून 2022 के करंट अफेयर हैं जिनको कल हमने डिटेल के साथ कवर किया था। आज इन क्वेश्चनों को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, 2022 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? तो ये हर साल 31 मई को मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, 30 मई 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया गोवा ने। कौन सा स्थापना दिवस? 35वां। तीसरा क्वेश्चन, रामनाथ कोविंद जी ने किस राज्य में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो ये किया मध्य प्रदेश में। फोर्थ क्वेश्चन, कौन 30 मई 2022 को गैबोन, स्नेगल, कतर के 3 देशों के दौरे पर रवाना हुए? तो एम वेंकैया नायडू इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन, मई 2022 में राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ उड़ीसा में। सिक्स्थ क्वेश्चन, 2022 में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 मई को। सेवंथ क्वेश्चन, मई 2022 में किसको लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो प्रदीप कुमार मोहंती इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एट्थ क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 30 मई 2022 को किस शहर में भारतीय तटरक्षक बल ICG के 3 दिवसीय 39वें कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नाइन्थ क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने आयु ऐप लॉन्च किया है? तो कर्नाटक इस क्वेश्चन का सही आंसर है। टेंथ क्वेश्चन, मई 2022 में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता? तो सर्जियो पेरेज, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अभी आज के डिस्कशन का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार खिलाड़ियों के लिए राज्य में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू करेगी? तो ये अनाउंसमेंट ये अभी की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा, यानी डी ऑप्शन जो है ये राजस्थान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शनों की। पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना इसको स्टार्ट किया। असम की सरकार ने मैत्री योजना और अरुणोदय योजना इसको स्टार्ट किया। छत्तीसगढ़ की सरकार, अभी छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल खुला है और छत्तीसगढ़ की सरकार ने बाजरा मिशन इसको स्टार्ट किया है, तो ये आप याद रखेगा। अब बात यहाँ पे राजस्थान की हुई है, तो राजस्थान का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हम कवर कर लेते हैं। इस बॉक्स में आप देख रहे हैं, यह है राजस्थान का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। चिरंजीवी योजना स्टार्ट की गई, इंदिरा रसोई योजना स्टार्ट की गई, रामगढ़ विश्वधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में था, राजस्थान में है, टाइगर कॉरिडोर स्टार्ट करेगी राजस्थान की सरकार, जनजातीय उत्थान योजना को स्टार्ट किया गया, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना स्टार्ट की गई, निर्यातक बनो मिशन शुरू किया गया, घर घर औषधि योजना स्टार्ट की गई, बोल्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया राजस्थान के उदयपुर में, राजस्थान में भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया, राजस्थान की सोजत मेहंदी को सरकार से GI टैग दिया गया, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 2 अक्टूबर 2021 को प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान की शुरुआत की, हाल ही में शरद महोत्सव 2021 का उद्घाटन राजस्थान में किया गया, राजस्थान में मरु उत्सव मनाया गया। अब राजस्थान की लोकेशन देखिए, ये है राजस्थान की लोकेशन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात 5 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है और पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जयपुर कैपिटल है, यही इसकी लार्जेस्ट सिटी है, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। 30 मार्च 1949 में फॉर्मेशन हुई थी। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, कलराज मिश्रा राज्यपाल हैं। जोधपुर में इसकी हाईकोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। 33 जिले हैं लोकसभा की 25 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 200 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताल चप्पर सेंचुरी, बासी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुष्कर लेक, सामर लेक, नक्की लेक, मानसागर लेक, चारों लेक राजस्थान में हैं। बिलासपुर डैम बानस रिवर के किनारे है, माही बजाज सागर डैम माही रिवर के किनारे है, राणा प्रताप सागर डैम चंबल रिवर के किनारे है, जवाई डैम ये जवाई रिवर के किनारे हैं। तो ये तो थी राजस्थान की बेसिक इन्फॉर्मेशन। सेकंड क्वेश्चन, 2022 में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया, यानी वर्ल्ड मिल्क डे 2022 में कब मनाया गया? तो ये दिवस हर साल 1 जून को मनाया जाता है, ये आप याद रखेगा, 1 जून
वर्ल्ड मिल्क डे ये हर साल 1 जून को मनाया जाता है। बात करें दूसरे ऑप्शनों की, 31 मई को वर्ल्ड नो तम्बाकू डे ये मनाया जाता है, 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे यानी विश्व कछुआ दिवस ये मनाया जाता है, 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे ये मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन 1 जून सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, किस राज्य की हॉकी टीम ने 29 मई 2022 को फाइनल में हॉकी चंडीगढ़ 2-0 को हराकर 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती है उत्तर प्रदेश की टीम ने, यानी डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है। गोवा की सरकार ने पानी बचाओ योजना को स्टार्ट किया। गुजरात की सरकार ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया और छत्तीसगढ़ की सरकार ने बाजरा मिशन को स्टार्ट किया। बात यहाँ पे उत्तर प्रदेश की हुई है, तो ये रहा उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ये उत्तर प्रदेश का और करंट अफेयर है, ये लोकेशन है, ये बेसिक डिटेल है जो आपको खुद ही कवर करनी है, ये सिंपल में लिखा हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन, 2022 में किस तारीख को सत्येंद्र नाथ टैगोर की जयंती मनाई गई यानी बर्थ एनिवर्सरी? तो ये कब मनाई गई? 1 जून को। बी ऑप्शन जो है फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का नवीनतम सदस्य बन गया है? तो ये बन गया है हंगरी। सी ऑप्शन हंगरी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आईएसए का हेडक्वार्टर आप याद रखेगा, ये कहाँ पर है? ये है गुरुग्राम में, यानी हरियाणा के अंदर। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, रशिया की कैपिटल मॉस्को है, हंगरी की कैपिटल क्या है? बुदापेस्ट हंगरी की कैपिटल है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल कैनबरा है। तो सी ऑप्शन फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये सिक्स्थ क्वेश्चन, भारत के पहले ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया भोपाल में, यानी बी ऑप्शन जो है ये सिक्स्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। इस बॉक्स में आप देख रहे हैं, ये है मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ये मध्य प्रदेश का और करंट अफेयर है, ये लोकेशन है, ये बेसिक डिटेल है, ये भी आपको खुद ही कवर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन, मई 2022 में किसको राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बी ऑप्शन जो है यानी राजेश गैर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यह आप याद रखिएगा, सेवन्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर है। एट्थ क्वेश्चन, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बूजर निशानी का 28 मई 2022 को खराब स्वास्थ्य के कारण निधन हो गया? तो अल्बानिया जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ए ऑप्शन। एट्थ क्वेश्चन का सही आंसर है अल्बानिया। इसकी आप कैपिटल याद रखेगा, इसकी कैपिटल है तिराना, TIRANA तिराना, ये अल्बानिया की क्या है, ये कैपिटल है और यही इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, भारत के शीर्ष चीनी उत्पादक के रूप में किस राज्य ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है? तो अब ये महाराष्ट्र आ गया है पहले नंबर पे। तो नाइन्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन महाराष्ट्र जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। टेंथ क्वेश्चन, वार ऑफ लंका नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो टेंथ क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा? अमीश त्रिपाठी, डी ऑप्शन जो है ये टेंथ क्वेश्चन का सही आंसर है, अमीश त्रिपाठी। अब ये देखिए आप, ये पहले इंपॉर्टेंट बुक्स देख लीजिए, ये देखो रेड कलर में ऑथर का नाम है और ये ब्लू कलर में बुक्स का नाम है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ये कल के क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे गए थे। ये देखिए आप, 2022 में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया? 29 मई। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 27 मई 2022 को साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया? उड़ीसा सही आंसर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के अपने प्रयासों के स्वीकार करते हुए किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस का पुरस्कार के लिए चुना गया है? झारखंड सही आंसर है। किसको सिनेमा में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को फोकस के देश के रूप में माना गया? तो बांग्लादेश सही आंसर है। छठा क्वेश्चन, मई 2022 में किस राज्य में बंदर की एक प्रजाति की खोज की गई जिसका नाम सेलापास के नाम पर रखा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है ये सिक्स्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। ये तो थे कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, अब ये आज के क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन, 2022 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? दूसरा क्वेश्चन, 30 मई 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तीसरा क्वेश्चन, रामनाथ कोविंद जी ने किस राज्य में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया?
चौथा क्वेश्चन, कौन 30 मई 2022 को गैबोन, सेनेगल और कतर के 3 देशों के दौरे पर रवाना हुए। पांचवा क्वेश्चन, मई 2022 में राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का आयोजन कहाँ किस राज्य में किया गया। छठा क्वेश्चन, मई 2022 में किसको लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।